अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनने वाली चाइनीज चिकन चाउमीन की रेसिपी। ये जो शेफ है इनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है चाइनीज खानों का, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे हम आपको चिकन चाउमीन की रेसिपी को शेयर करते हैं। तो चले इस रेसिपी को हम सीखते हैं। गुलशनवारी रेस्टोरेंट से ये रेसिपी शेयर की जा रही है। इनका एड्रेस है मेन शिपोनर कॉलेज चौरंगी नॉर्थ नाजमाबाद कराची। तो चले इस रेसिपी को हम सीखते हैं। अनियन प्याज ऐड किया और ये बेल पेपर, कैरेट, कैरेट गाजर, कैबेज गोभी और स्प्रिंग अनियन। ये सबसे पहले कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर दिया और ये लहसुन का पेस्ट ऐड किया और इसको सौते करना है आधे मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। और ये तमाम वेजिटेबल ऐड कर दिया और चिकन अगर चाहें तो आप फ्राई करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से अच्छी तरह से वेजिटेबल को सौते करना है कि वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद थोड़ा सा चिकन स्टॉक ऐड किया गया है जिसे यखनी भी कहा जाता है। एस पर जो नीड है ना वो चिकन स्टॉक ऐड किया जाएगा ताकि नीचे ना लगे। शुगर इसमें सबसे पहले ऐड करना है, सॉल्ट इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड करना है और ये वाइट पेपर इसमें ऐड करना है। अब ये तमाम जो है मसाले इसके अंदर ऐड करना है और ये चिली पेस्ट या चिली सॉस आप इसे कह सकते हैं ऐड करना है थोड़ा सा। फिर थोड़ा सा बिल्कुल जो है चिकन स्टॉक यखनी ऐड की गई है और अच्छी तरह से इसको सौते किया जा रहा है। बहुत ही कमाल किस्म की ये रेसिपी होने वाली है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। कम वक्त पर तैयार होने वाली रेसिपी है। अब इसमें बॉयल नूडल्स इसके अंदर ऐड किया जा रहा है, ये 250 ग्राम ऐड किया जा रहा है, 250 ग्राम बॉयल नूडल्स हैं। डार्क सोया सॉस, ठीक है, डार्क सोया सॉस इसमें ऐड किया गया। अब इसको अच्छी तरह से सौते करना है। क्या देखें कितने प्रोफेशनल शेफ हैं ये। वैसे आप कितने साल से इस फील्ड में? मेरे 8 साल हो गए। 8 साल से इस फील्ड में और चाइनीज खाने बना रहे हैं 8 साल से। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा। गाइस अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा।